मोदी सरकार के 100 दिन, विपक्ष के बुरे दिन। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। मोदी सरकार पार्ट टू ने 56 इंच वाला हौसला दिखाते हुए ताबड़तोड़ कई फैसले किए। 370 पर प्रहार हुआ, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर किया गया, 3 तलाक का अस्तित्व मिटा दिया गया। एक तरफ मोदी सरकार ऐतिहासिक फैसले ले रही थी तो दूसरी ओर विपक्ष ऐतिहासिक संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस पर नेतृत्व संकट छाया रहा, ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में भागम भाग मच रही। तमाम विपक्षी दलों के प्रवक्ता अदृश्य हो गए हैं, यानी गायब हो गए हैं। 370 पर विपक्ष खंड खंड हो गया। आज इसी मुद्दे पर उस जनता के बीच अब मौजूद हैं जिस जनता ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को इस देश का एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाया है। और इस सबसे बड़ी बहस में मोदी के 100 दिन और विपक्ष के बुरे दिनों के भी 100 दिन, आज इसी पर यह व्यापक चर्चा हम करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज मेहमान हैं यहां पर मौजूद, लेकिन पहले यह 100 दिनों पर रिपोर्ट देखिए। ट्रिपल तलाक एक अमानवीय कृति, इसे खत्म करें। टेम्पररी को निकालते निकालते 70 साल चले गए। जिन्होंने देश को लूटा है उनको पाई पाई लौटानी पड़ेगी। 2014 से अब तक मैं जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। 2019 के बाद जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, जो मैं नहीं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की हाइलाइट्स हैं। बीते 100 दिनों में पीएम मोदी की सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। एक के बाद एक हर उस मुद्दे को सुलझाया जा रहा है जिसे शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा होगा। मैं थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि ट्रिपल तलाक कानून का कई राजनीतिक दलों ने संसद के फ्लोर पर विरोध किया, मगर मैं मानता हूं कि वो भी अपने मन के अंदर जानते हैं कि कुप्रथा है, इसको जितनी जल्द हटानी चाहिए हटा देनी चाहिए, मगर उनमें वो साहस नहीं। 125 करोड़ का देश, गांधी और बुद्ध की धरती, राम और कृष्ण की भूमि। टेम्पररी को निकालते निकालते 70 साल चले गए। ये दो मुद्दे ऐसे थे जिन पर दशकों से खूब सियासत हुई। वोट बैंक की राजनीति चमकाई गई। ट्रिपल तलाक बिल पर तो राज्यसभा में विपक्ष कुंडली मारकर बैठ गया। 370 पर मरने मारने की धमकी भी दी गई। लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति क्या होती है, ये बीते 100 दिनों में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। मोशन मूव दैट द बिल बी पास। लेकिन जहां एक ओर मोदी सरकार कामयाबी की नई इबारत लिख रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष धरातल के नए कीर्तिमान बना रहा है। कांग्रेस पार्टी पर तो अस्तित्व बचाने का संकट ही मंडरा रहा है। 100 दिन के बाद भी कांग्रेस के पास कोई परमानेंट अध्यक्ष नहीं है। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोप में रोज कोई ना कोई कांग्रेसी नेता पकड़ा जा रहा है। आज नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट जिस तरह लगाम कसी जा रही है, वैसा पहले कभी नहीं। हालांकि अर्थव्यवस्था की सेहत नासाज है और फिलहाल मोदी सरकार के लिए यह बड़ी चिंता का विषय है। हालांकि सरकार अलर्ट है और अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के लिए कई कदम उठाए भी गए हैं। बीते 100 दिन जहां एक ओर सरकार के पास देश को गिनाने के लिए कई काम हैं, तो वहीं विपक्ष का हाल बेहाल है। 100 दिन बाद क्या है मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड, आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस। मोदी के 100 दिन वर्सेस विपक्ष के बुरे दिन। और अब 100 दिन में मोदी सरकार ने कई कड़े और बड़े फैसले लिए। मोदी सरकार के 100 दिन में सावन के सोमवार का विशेष महत्व रहा है।
सावन के पहले सोमवार यानी 22 जुलाई को भारत ने चंद्रयान की सफल लॉन्चिंग करी। दूसरे सोमवार को मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाई गई। सावन के तीसरे सोमवार को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया, स्वाहा कर दिया। और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख असल मायनों में भारत का अभिन्न अंग बन गया। इसके अलावा सरकार ने आतंक पर सख्ती दिखाते हुए यूएपीए बिल को पास कराया, मोटर व्हीकल एक्ट को सख्त बनाया गया। इसके अलावा बैंकों का मर्जर, आरबीआई के सरप्लस कैश से इकोनॉमी को पटरी पर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इधर मोदी सरकार के 100 दिन हैं तो दूसरी ओर विपक्ष के भी कुछ 100 दिन हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। कांग्रेस इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, 100 दिन में भी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं तय कर पाई, एक बार फिर गांधी परिवार पर वापस जाना पड़ा। 370 पर पार्टी में यानी कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो गया, एक के बाद एक बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सवारी कर रहे हैं। उधर यूपी में बुआ यानी मायावती से धोखा खाने के बाद बबुआ यानी अखिलेश यादव राजनीतिक कोमा में चले गए हैं, पूरी कार्यकारिणी भंग कर दी गई है, कई इकाइयां भंग कर दी गई हैं। सपा के राज्यसभा सांसद बीजेपी में कई सारे शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी की सांस अटकी हुई है कि एक के बाद एक टीएमसी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल होते जा रहे हैं। तो हर चीज में मोदी को जिम्मेदार ठहराने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुंह में पिछले 100 दिनों से मोदी शब्द गायब हो गया है। शत्रुघ्न सिन्हा की भाषा में बोले तो वो खामोश हो गए हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में फूट बच गई है, उनके 2/3 से ज्यादा राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी इन 100 दिनों में कहीं खुशी तो कहीं गम नहीं बोलूंगा, कहीं बेहद गम है, यह स्थिति है, आलम यह है। मेरे साथ मोदी सरकार के 100 दिन पर बात करने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों के लोग हैं। शहजाद पूनावाला पक्ष की बात करेंगे तो डॉक्टर श्रद्धांशु त्रिवेदी बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता नेता भी पक्ष की बात करेंगे। सतीश प्रकाश बीएसपी का गम हल्का करेंगे, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ निशांत जी हैं, ये कांग्रेस की कहानी बताएंगे, इनका भी स्वागत है। और बादल देवनाथ हैं, ये ममता बनर्जी की कहानी बताएंगे, उनका भी स्वागत है। और चंता जनार्दन है जो नरेंद्र मोदी के रिपोर्ट कार्ड को कैसे देखती है, वो भी अपनी बात को रखेगी। तो मेरा निवेदन है कि इस बहस के अंदर पुरजोर तरीके से अपनी बात को रखिएगा और कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा और दूसरे की बात सुनिएगा। अगर ये रिपोर्ट कार्ड की बात है, हमेशा पहले विपक्ष को मौका देना चाहिए, तो उसी का मैं पालन करते हुए निशांत जी पहले मौका आपको देता हूं। 100 दिन नरेंद्र मोदी की सरकार को हुए, एक तरफ कहा जाता है कई बड़े फैसले लिए गए, 370, 35A, 3 तलाक, NRC, और एक तरफ अध्यक्ष आप लोग नहीं बना पाए। 60 सेकंड आपके हैं, बात रखिए। बात होगी देश की, बात होगी मोदी सरकार की, क्योंकि बात हो रही है मोदी सरकार की। आपने कहा मोदी सरकार के 100 दिन, उसमें देश हुआ बेकार इन 100 दिन। दो बातें याद आती हैं, एक मेरी अपनी बनाई हुई छोटी सी रचना, राष्ट्रवाद के नाम पे भाई भक्तन की।